किसान साथियों, पोली हाउस फार्मिंग ए टू जेड सीरीज के तहत पहले पार्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से आपको पोली हाउस का सेटअप लगने के बाद में जमीन को तैयार करना है, किस प्रकार से उसमें किस मात्रा में बेसिल डोज डालने हैं और किस प्रकार से बेड तैयार करने हैं। आज फिर से हम हैं हमारे नवाचारी किसान रामेश्वर जी यादव साहब के, और साथ में है हमारे सोइल एक्सपर्ट डॉक्टर गोविंद जी यादव। आज उनसे जानेंगे कि किसान साथी कभी पोली हाउस में सीडिंग करे और किस हिसाब से करे, कौन से बीजों का चयन करे ताकि वो फसल की अच्छी ग्रोथ के साथ एक अच्छा उत्पादन ले सके। आइए मिल लेते हैं फिर से हमारे नवाचारी किसान रामेश्वर जी यादव साहब से, साथ में हमारे सोइल साइंटिस्ट गोविंद जी यादव से, और जान लेते हैं पोली हाउस फार्मिंग में सीडिंग से लेकर उसकी बढ़वार तक की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या अपने को सावधानियां बरतनी है। आइए रामेश्वर जी। राम राम साहब। राम राम साहब। पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, काफी किसान साथियों की क्यूरीज थी कि भाई हमारा पोली हाउस सेटअप लग के तैयार हो गया है, उसमें किस प्रकार से जमीन तैयार करे, क्या बेसिल डोज डाले, और किसानों के रिव्यू भी आ रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब बेसिल डोज डाल दिया, बेड अपने तैयार हो गए, अब मेन जो बात आती है फसल के चयन की, तो किसान साथी जिनके पोली हाउस सेटअप लगा है, पहले तो ये बताइए कि कौन कौन सी फसलें पोली हाउस में कम्फर्टेबल रहेगी जो किसान साथी लगा सकते हैं। पोली हाउस में सबसे मेन तो खीरा ही लगाते हैं जी, इसके अलावा और कोई फसलें? इसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च भी लगती है। अच्छा, टमाटर भी लगता है, लेकिन किसान क्या है जी, ये जल्दी रिटर्न देता है खीरा। खीरा जल्दी रिटर्न देता है, 30 से 40 दिन में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब है किसान साथी ज्यादा से ज्यादा अगर खीरे की इसमें खेती करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, ज्यादा लाभ मिल पाएगा। तो गोविंद जी आप क्या कहते हैं, अपना जो राजस्थान का क्लाइमेट है, विशेष तरह बात करें जैसे अपने जयपुर की, तो इसमें जो अपना खीरा है वो कम्फर्टेबल रहेगा या और कोई फसल भी अगर किसान साथी लगाए तो खीरे के माफी के इसमें प्रोडक्शन और मुनाफा ले सकते हैं? किसानों मुनाफे के अनुसार देखे ना, तो खीरा इसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। जी जी, इसमें क्या 35-40 दिन में खीरा जाने टूटना स्टार्ट हो जाता है और अच्छी भाव मिलने स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो रामेश्वर जी जैसे बात आ गई बीजों के चयन की, तो किसान साथी जैसे खीरे की बात करें अपन, तो खीरे के लिए कौन सी सीड का चयन करें, सीड के चयन में क्या सावधानी बरतें ताकि उनको किसी प्रकार का लॉस न लगे, फसल अच्छे से तैयार हो सके? सीड में सर 2 रुपए से लेकर 9 रुपए तक सीड आता है। अच्छा, 2 रुपए से लेकर 9 रुपए तक। जी जी, अब ये चयन किसान को करना है, वह अच्छी कंपनी का सीड लगाए, जैसे ध्यान भी है पर इस साल ये लगाए तो बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। जी जी जी, लगाते भी रहते हैं सब किसान, एक से दूसरा, तो उससे मालूम रहता है कौन सा सही लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। मैं तो यही बताऊंगा वह सीड का, बढ़िया सीड का चयन करके लगाए। तो आपको 10 से 12 साल हो गए पोली हाउस फार्मिंग करते हुए, खीरे की खेती करते हुए, तो थोड़ा सा आप किसान साथियों को सजेस्ट कर दे भाई किस रेंज का बीज ठीक रहेगा। भाई आप कह रहे हैं कि भाई 2 रुपए से 9 रुपए तक का है, तो किसान साथी अगर 2 रुपए वाला लेगा और 9 रुपए वाला लेगा तो ये तो कन्फर्म है कि भाई 2 रुपए वाला और 9 रुपए वाला बराबरी नहीं करेगा। तो एवरेज कौन सा बीज ले किसान साथी, तो महंगा भी नहीं पड़े अच्छा प्रोडक्शन भी मिल जाए। इसमें 6 रुपए से 9 रुपए तक की क्वालिटी ठीक रहती है, ठीक रहती है। किसान साथी ध्यान दे, रामेश्वर जी 10 से 12 साल से खेती कर रहे हैं, इनका कहना है कि अगर आप बीज में नीचे की क्वालिटी में जाएंगे तो उसमें जो आपकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम रहेगी और आपको ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह डालना पड़ेगा और हो सकता है आपका जो प्रोडक्शन का सपना है वो अधूरा रह जाए। तो कम से कम 6 से 7 रुपए से लेकर 9 रुपए तक वाली जो सीड क्वालिटी है उसका आप चयन करें। अच्छा, बीजों के चयन की क्या गोविंद जी रहेगी प्रक्रिया, इसमें जैसे कितने बार तो फसल लगा सकते हैं खीरे की किसान साथी, और सीजन के हिसाब से बीज का चयन करना है या सेम जो अपना है बीज वही चलता है? जितनी भी कंपनी है ना सीड की, वो सीजन के हिसाब से यहाँ वेराइटी रहती है। जी जी, तो किसान भाई सीजन के अनुसार ही वेराइटी का चयन करें जी, कि कौन सा सीजन है मेरे को वेराइटी लेनी है, और मिनिमम 2 सीजन यहाँ के किसान लेते हैं जी, और मैक्सिमम कुछ किसान ऐसे वो 3 सीजन ले पा रहे हैं जी, तो अपने को मिनिमम है कि भाई लेने लेने। ठीक है, 2 सीजन ले रहे हैं, एक तो जैसे 4000 वर्ग मीटर का अपना पोली हाउस है उसमें लगभग कितनी सीड की जरूरत पड़ती है? 4000 में लगेंगे 7500 से 8000 के अकॉर्डिंग सीड की जरूरत। अच्छा, 7500 से 8000 के लगभग अपने सीड का ले। दूरी क्या रहेगी इसमें, जैसे अपने ये जो खीरा लगा रखा है आपने, प्लांट से प्लांट की दूरी क्या आपने रख रखी है इसमें एक बार? प्लांट से प्लांट की दूरी तो 15 सेंटीमीटर की है। अच्छा, प्लांट से प्लांट की दूरी 15 सेंटीमीटर है जी, जिगजैग मीटर से जिगजैग मीटर में लगता है जी जी जी, उसमें ताकि दिक्कत नहीं है बड़ा होने के। अच्छा, तो आपका सीड लगा दिया,
सीड लगाने के बाद सिंचाई का क्या सर्कुलेशन रहेगा, कितने दिन के बाद अपने को सिंचाई डालनी है, इसमें पानी डालना है? इसमें सीड लगाते ही सिंचाई करनी पड़ती है। सीड लगाते ही कर दी, उसके बाद फिर कितने दिन लेते हैं? एक बार पूरे बेड को भिगोना पड़ता है। जी जी जी। उसके बाद जैसे 6-7 दिन तक पानी नहीं देना पड़ता है, वो अपने आप सीड तैयार। अच्छा, जब तक पौधा जर्मिनेट न हो तब तक अपने को 6-7 दिन के हिसाब से पानी डालना है। 3 दिन में हो जाता है जर्मिनेट, लेकिन पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा टेम्परेचर होता है जी जी, उस टाइम जरूर 10 मिनट उसमें पानी देना पड़ता है जी जी, ताकि ठंड बनी रहे, नमी बनी रहे, टेम्परेचर कंट्रोल रहे। अच्छा, जैसे अभी आपकी ये खीरे हैं लगभग कितने दिन के हो गए होंगे? ये हो गए 15-16 दिन के हो गए। 15-16 दिन के हो गए। तो अभी इसमें जैसे न्यूट्रिशंस का आपका जो बैलेंस है वो अभी से आप स्टार्ट करेंगे या समय लेकर स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशंस? फर्टिलाइजर तो अभी फ्लोरिंग चालू होगी तभी करेंगे। अच्छा, इसमें अभी तो इसमें जैसे बेस वो चलाते हैं, सेफ रूट बाय जोड़ी है, माइक्रोराइजा है। अच्छा अच्छा, इसकी ग्रोथ के लिए, जड़ ग्रोथ के लिए पौधे की ग्रोथ हो जल्दी से, रूट डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपका ये पौधा है 10-15 दिन का हो गया और जब तक ये फ्लोरिंग नहीं आ रही है तब तक इस पे कोई ना किसी प्रकार के रोगों का अटैक रहता है क्या? इसमें जैसे अपने पौधे लगे हुए हैं, आपको दिख रहा है किसी पौधे में कोई रोग का लक्षण है? इस टाइम क्या है, ये एक सोइल बोर्न डिजीज होती है, विल्ट जो मर्दा जनित रोग होता है जी जी, उसका सबसे ज्यादा यहाँ का जो रीजन है उसमें सबसे ज्यादा इश्यू इकट्ठा रोग है जिसे विल्ट कहते हैं उसको। अच्छा, सबसे ज्यादा इश्यू उसी का है। इसमें क्या लक्षण है इसके हमारे किसान साथी? पौधा ऊपर से सूखना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। अच्छा, ऊपर से पत्ते सूखने स्टार्ट कर देते हैं जी, और पत्ते सूखते जाते हैं ऐसे बिल्कुल एक सेफ फॉर्म में पत्ते सूखते हैं जी जी। तो ये मतलब सबसे यहाँ पे सबसे पूरे एरिया में इसका इश्यू है विल्ट का। अच्छा, तो जो ये विल्ट वाला है फ्लोरिंग आती है उससे पहले आता है या कभी भी आ सकता है? सोइल बोन है तो ये कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये जो मिट्टी में जैसे अपन क्रॉप साइकिल यूज नहीं करते ना, जैसे किसान एक खीरा खीरा लगाता है जी जी जी, तो वो क्या होता है जो रेजिडियो होते हैं ना वो मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं जी जी। दूसरी फसल आती है तो उसका रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता या मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एक ये डैम्पिंग ऑफ भी आता है तो उसमें क्या होती है नर्सरी से सूख जाती है, नर्सरी के जो इस टाइम पौधे रहते हैं तो वो सूख जाता है जी। तो ये दोनों का बहुत इश्यू है, तो डैम्पिंग ऑफ का और एक विल्ट का। अच्छा, शुरुआती जो स्टेज होती है अपने खीरे की फसल की, सोइल बोन। हमारे किसान साथियों को डॉक्टर साहब ये तो बता दीजिए भाई, दो आपने डिजीज बताई है इनका कंट्रोल कैसे करें? आगे की जो डिजीज है फ्लोरिंग की स्टेज की या बाद की, उसको अपने दूसरे वीडियो में एनालिसिस करेंगे। आप जो प्राइमरी स्टेज पर जो दो बीमारियां बता रहे हैं उनका कैसे निस्तारण करें, क्या डाले इसमें किसान साथी? मार्केट में बहुत सी दवाई आती है जी जी, लेकिन जो फॉर्मुलेशन होता है जो टेक्निकल बहुत सारे आपको पता है, हर कंपनी अपना अपना टेक्निकल बनाती है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो फॉर्मुलेशन होता है लास्ट में जैसे एससी होता है, सोल्युबल कंसंट्रेट होता है, ईसी होता है, WDG होता है जी जी, ये फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। तो कौन सा फॉर्मुलेशन काम मिले किसान साथी? जो प्रोटेक्टेड जो कल्टीवेशन होता है ना जी जी, उसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मुलेशन है WDG। WDG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल, WDG या WG बोलते हैं जी जी। उसमें क्या होता है कि आप चाहे 1 किलो लो, 10 किलो लो या 100 ग्राम लो जी, चाहे पानी कितना भी लो, वो एक बराबर मात्रा में घुलता है उसमें। अच्छा अच्छा, जैसे आपने 100 ग्राम पेस्टिसाइड वो लिया, पेस्टिसाइड 20 ग्राम लिया और 1 किलो लिया, आप उसको 1 लीटर पानी में घोलोगे ना तो बराबर घुलेगा मात्रा में। अच्छा अच्छा, अभी मैं आपको एक उसका वीडियो भी करके दिखा दूंगा जी जी, ये WDG जो फॉर्मुलेशन होता है ना वो कैसे घुलता है जी जी। तो जो WDG होता है ना, जैसे अपन इसे मिट्टी में डालते हैं ना तो वो पूरा घुलता है, पौधे को मिलता रहता है जी जी। किसान क्या करते हैं WP डालते हैं जी, तो WP में क्या होता है, वो तो एक तरह से पाउडर आता है जो अपन लगाते हैं, कॉस्मेटिक पाउडर जी जी। तो वो क्या होता है पानी के साथ घुल के नीचे चले जाता है, जो WDG होता है वो पानी के साथ जाके पूरा घुल के वापस रूट तक जाता है, बिल्कुल पूरा फैलता है, मतलब जो भी आपकी मिट्टी है मृदा है उसमें रुक जाता है वो। हाँ, पानी के साथ नीचे जो तह तक नहीं जाता और जो पौधे की जड़े हैं उन तक सप्लाई अच्छे से मिलती है। तो आपने जो दो रोग बताए उनके लिए कौन सी किसान साथी दवाई डाले? सबसे अच्छा है थायोफेनेट मिथाइल, अच्छा 70% आता है जी जी, WDG फॉर्मुलेशन जी जी, और कोप्रोक्सी क्लोराइड 50% आता है WDG फॉर्मुलेशन जी जी। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर तो क्या रूट को वो करता है, सोइल बोन से रूट को अच्छा डेवलप करता है कोप्रोक्सी क्लोराइड जी जी। और जो थायोफेनेट मिथाइल है वो एक पाउडरी मिल्ड्यू को छोड़ के और डाउनी मिल्ड्यू को छोड़ के सब डिजीज, फंगल जो डिजीज आती है उनके सेल्स को नष्ट करता है जी जी। मतलब वो एक तरह से सब डिजीज का रामबाण है पाउडरी डाउनी को छोड़ के। अच्छा, तो उसमें क्या करता है कि वो जितनी फंगस आती है उसे डायरेक्ट सेल पे अटैक करता है, सेल पे अटैक करके उसको किल कर देता है जी, थायोफेनेट मिथाइल करके आता है। हाँ, लेकिन हर कंपनियां बनाती है, लेकिन जो उसका जो फॉर्मुलेशन है WDG जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान साथी ध्यान दे, डॉक्टर साहब का कहना है कि जो WDG आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसके केमिकल और पेस्टिसाइड्स अगर काम में ले रहे हैं तो फायदा ये होने वाला है आपको, आप जो उसकी मात्रा खेत में डाल रहे हैं, बेड में डाल रहे हैं, पौधे को डाल रहे हैं, वो 100% पौधे को काम में आने वाली है। कहना चाहूंगा मैं जी,
जो डब्ल्यू पी आता है ना उनकी डोज होती है 500 ग्राम से एक किलो जी डब्ल्यू पी की, और जो डब्ल्यू डी जी फॉर्मुलेशन आता है उनकी डोज होती है 100 ग्राम, मतलब 5 गुना डोज कम होती है उनकी डब्ल्यू पी से। वो कम होने का कारण ये हो गया ना कि भाई उसका जो है 100% डब्ल्यू इफिशियंसी है उसकी बहुत अच्छी होती है, लीच आउट नहीं होता वो। जी तो किसान साथी ध्यान रखे, जो आप भी केमिकल वगैरह डाल रहे हैं मिट्टी में पौधे की न्यूट्रिशंस वगैरह के लिए, डब्ल्यू पी जी जो आपकी फॉर्म है उसमें ही डाले, ताकि सस्ता पड़ेगा, कम मात्रा में देना पड़ेगा, उर्वरता बनी रहेगी, मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। ज्यादा केमिकल डालोगे तो जल्दी बंजर होने की समस्या आएगी, लॉन्ग टाइम तक उसका रहता है, जैसे जैसे पौधे को पानी मिलेगा वो घुल के फिर फैलता रहेगा जी, मतलब उसका विष एक आप ऐसे एक छुट्टी भर डालोगे ना पानी में जी जी, तो वो पूरा इतना अच्छे से फैलेगा कि पूरे पानी के अंदर फैल जाएगा जी। बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा डॉक्टर साहब फसल लगा दी, रोगों की स्थिति तो आपने बता दी, ग्रोथ इसकी अच्छी होती रहे फ्लोरिंग की स्टेज तक अपन जाते हैं, तो उस समय तक ग्रोथ के लिए अपने को इसमें कौन सी न्यूट्रिशंस वगैरह डालने हैं वो बैलेंस भी किसान साथियों को बता दे। ग्रोथ के लिए देखो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो तो होते हैं जी जी, लेकिन अपना जो जिंक होता है जी, तो जिंक क्या करता है प्लांट में ऑक्सीजन सिंथेसिस को बढ़ाता है, ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है ये नेचुरल हार्मोन होता है ग्रोथ का जी जी जी। तो अपन क्या करते हैं किसान कोई जिब्रासुल डालता है कुछ डालता है, तो वो क्या होता है अल्टीमेट खाएगा तो किसान या किसान का कोई भाई बंद मतलब कुछ खाएंगे तो इंसान ही इसकी बिल्कुल बिल्कुल तो सही वो क्या करते हैं उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो जिंक जब डालते हैं ना अपन, तो जिंक क्या करता है प्लांट में जो नेचुरल जो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं ना उनको एक्टिवेट करता है मतलब नेचुरली ग्रोथ होगी आप जिंक डालोगे जी जी। तो क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट के तौर पे काम में लेते हैं किसान जी, उससे क्या होता है न्यूट्रिएंट का भी काम करता है और ऑक्सीजन सिंथेसिस को बढ़ाता है जिससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है जी जी। तो जिंक के अलावा और जो न्यूट्रिशंस है उनका बैलेंस अपने को बैलेंस करना है, सोइल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही चलना जी। अच्छा कितने दिनों पे रिपीट करें किसान साथी इन चीजों को? ये न्यूट्रेंट को अपन जैसे कुछ जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट्स हो गए, ये एनपीके ग्रेड हो गया जैसे 0-5-34-19-19 जी जी, तो ये हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट होता रहता है। अच्छा हल्की हल्की मात्रा में अगर अपन रिपीट करते रहेंगे तो पौधे की जरूरत के हिसाब से वो चलता भी रहेगा। टर्मिनल बड का इश्यू आता है उसके लिए कैल्शियम और बोरोन ऐड करना पड़ता है। अच्छा जैसे अपने डॉक्टर साहब ने बता दिया कि अपने को न्यूट्रिशंस वगैरह डालने करने हैं, पौधा आपने लगाया उससे कितने दिन के बाद फ्लोरिंग स्टेज पे आ जाएगा पौधा? 25 दिन के लगभग फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उस समय काफी कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी हमारे किसान साथियों को बता दिए। सबसे पहला काम तो जैसे पौधा आपका लगभग ये 3-4 इंच का हो गया, अब इसमें जो आपकी रोप से बांधने वाला काम है वो कब स्टार्ट करेंगे? वो 18 से 20-22 दिन पे चालू हो जाता है। 18 से 20-22 दिन पे चालू हो जाता है, तो उसको बांधने की कोई विशेष विधि की, ताकि जो अपनी बेल है उसका तना खराब ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है किसान साथी ध्यान नहीं देते, ज्यादा उस पे फोर्स लगा के कस देते हैं कर देते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा हमारे किसान साथी जो पेड़ के बांधते हैं उसको तो बहुत ढीला बांधना पड़ता है ल्यूज जी जी। कई जो पाइप के बांधते हैं ड्रिप लाइन की पाइप बिछ रही है ना उसके बांधते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती, वो नीचे उसके बनता है फिर उससे लिपटता रहता। अच्छा तो कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा, ड्रिप वाला ठीक रहेगा? सिंगल में तो इसके पेड़ के बांधना पड़ता है, डबल में तो ड्रिप रहती है दोनों तरफ। अच्छा डबल, किसान साथी ध्यान दे, रामेश्वर जी का कहना है कि अगर आपने डबल ड्रिप डाल रखी है तो जो धागा आप ले रहे हैं पौधे को बांधने के लिए उसको ड्रिप से बांध देंगे तो वो सीधा भी रहेगा और जो आपका पौधा है उस पर फोर्स भी नहीं लगेगा और आसानी से वो चढ़ जाएगा। रामेश्वर जी आपने व्यस्तम समय में से किसान साथियों को जो सीडिंग की व्यवस्था है इसमें न्यूट्रिशंस और फर्टिलाइजर डालने की व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी। गोविंद जी ने भी इसमें प्राइमरी स्टेज पर आने वाले रोगों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। किसान साथियों अगर सीड लगाने से लेकर उसमें फ्लोरिंग की स्टेज आने तक अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिए हुए डॉक्टर गोविंद जी और रामेश्वर जी के कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें लिखे, ताकि आपकी समस्याओं का घर बैठे समाधान किया जा सके। आप हमारे YouTube चैनल खेतरी तकनीक पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी युवा सोइल साइंटिस्ट डॉक्टर गोविंद और रामेश्वर जी के साथ साथ अन्य जो एक्सपर्ट किसान साथी है उनके अनुभवों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूले, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से ये सूचना दूसरे किसान साथियों को जाती है और ये जो अनुभव हम आपको फील्ड में आकर शेयर कर रहे हैं इनका फायदा किसान साथियों को मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे फ्लोरिंग स्टेज के बाद में, जो आपका खीरा है उसमें किस प्रकार से अपने को सावधानी रखनी है, कौन सी रोगों का आपको सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप उनका ट्रीटमेंट करके एक अच्छा उत्पादन लेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद जय भारत।